यूपी चुनाव का बिगुल बज चुका है और राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। 7 चरणों में होने वाले यूपी चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होगी, जबकि नतीजे 10 मार्च को घोषित होंगे। इसी बीच राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है और टिकट पाने की होड़ में। इसी बीच सियासी दलों का उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने का सिलसिला भी जारी है और टिकट पाने की होड़ में कई दिग्गज नेता अपना पाला तक बदल चुके हैं, मगर कुछ नेताओं को राजनीतिक दल ने दरकिनार कर दिया है। मतलब साफ है, राजनीतिक दलों ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। ऐसे में उनके राजनीतिक भविष्य पर संकट गहराता जा रहा है। सबसे पहले नाम आता है मुजफ्फरनगर से साल 2009 में बीएसपी सांसद रहे कादिर राणा का, जो यूपी पश्चिमी की राजनीति में बड़ा मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। करीब 3 दशक से राजनीति कर रहे कादिर राणा पर इस बार ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि नेताजी ने हाथी की सवारी छोड़कर साइकिल की हैंडल थाम ली और अभी तक उनका टिकट फाइनल नहीं हुआ है। वहीं दूसरे नंबर पे हैं हाजी याकूब, जो मुस्लिम नेता के रूप में मेरठ में अच्छी खासी पहचान रखते हैं। उनके सियासी रुतबे को इस तरह से भी आंका जा सकता है कि वो निर्दलीय विधायक भी रह चुके हैं। इसके अलावा मुलायम सिंह की सरकार में भी नेताजी मंत्री पद पर रह चुके हैं। इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में हाजी याकूब के बेटे इमरान कुरैशी को बीएसपी ने मेरठ की 100 सीट से उम्मीदवार बनाया। हालांकि हाजी याकूब इस बार विधानसभा चुनाव में नहीं खड़े हो रहे हैं, उनकी जगह उनका बेटा इमरान कुरैशी चुनावी मैदान में है और बीएसपी ने मेरठ की 100 सीट से इमरान कुरैशी को उम्मीदवार बनाया था, मगर चुनावी घोषणा होने के एक दिन पहले ही उनका टिकट काट दिया गया। वहीं आरएलडी ने अपनी सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। ऐसे में अब उनके राजनीतिक करियर पर संकट खड़ा हो गया है। तीसरे नंबर पर आते हैं बुलंदशहर के बाहुबली नेता कहे जाने वाले भगवान शर्मा और गुड्डू पंडित। गुड्डू पंडित को ना तो कहीं से टिकट मिला और ना ही उनके भाई मुकेश शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया। हाल ही में गुड्डू पंडित ने दिल्ली में सपा की सदस्यता ग्रहण की थी। सपा और बीएसपी से विधायक रहने वाले गुड्डू पंडित बुलंदशहर की सियासत में दिग्गज नेता के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्हें किसी भी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया है। सहारनपुर और पश्चिमी यूपी की मुस्लिम सियासत का बड़ा चेहरा इमरान मसूद को इस बार किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, इस वजह से वह टिकट की भागम भाग में लगे हुए हैं। ऐसे में अपना सियासी भविष्य को बचाए रखने को लेकर उनके सामने चुनौती खड़ी हो गई है। लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने सबक ले लिया है और दलबंधु नेताओं से दूरियां बना ली है, क्योंकि सत्ता की लालच में पाला बदलने वाले नेताओं का कोई ईमान धर्म नहीं होता है। टीम लोकल वोकल।